हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश से कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं। सर, नई जिम्मेदारियां मिली है पार्टी की तरफ से, किस तरीके से आप देख रहे हैं सरकार में, जिस तरीके से आपको मंत्री बनाया गया, क्या क्या तैयारियां हैं आपकी? अच्छा है, अभी 100 दिन का लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है, संकल्प पत्र को आधार बनाया गया है और पिछली 5 साल जो सरकार चली है जिस तर्ज पर, उसी तर्ज पर इस बार भी हम लोग सरकार चलाएंगे और परिणाम निश्चित तौर पे बहुत बेहतर आने वाला है। सरकार पूरी तरीके से जनता के लिए समर्पित है, कैसे गरीबों का भला हो सके, कैसे मजदूरों का भला हो सके, इस पर सरकार का पूरा फोकस है। हम सब लोग एक टीम वर्क की तरह काम करने जा रहे हैं। सर, श्रम और मजदूरों की अगर बात करें, श्रम विभाग आपके पास है, पिछली बार के आंकड़े और इस बार के आंकड़े में बात करें तो बहुत सारी आशाएं जो है मजदूरों को इस बार की सरकार से है, क्या लगता है कहां कहां विशेष आप देखते हैं कार्य करने की जरूरत है? सबसे बड़ा जो हम लोगों की प्राथमिकता में है, जो उत्तर प्रदेश के पास मैन पावर है, हमारा मैन पावर जो बाहर जा रहा है उसको कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर रोकें और हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए रोजगार का सृजन किस तरह से करें, इसलिए 100 दिन का जो हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें जो प्राथमिकता है वो यही है कि पहले इस 100 दिन के अंदर हम 90 रोजगार मेला लगाएंगे, तकरीबन 25,000 लोग नौजवानों को रोजगार देने का हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है। हम लोगों ने करियर काउंसलिंग की भी बात की है, इससे 50,000 हमारे बेरोजगार नौजवान प्रभावित होंगे। तो इस तरह से बहुत ही बेहतर तरीके से मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में बहुत अच्छी योजना बनी है, वो धरातल पर उतरेगी तो निश्चित तौर पे बड़े सार्थक परिणाम आने वाले। आखिरी सवाल मेरा रहेगा सर, एमएलसी चुनाव में जिस तरीके से भाजपा ने परफॉर्मेंस दी, वहीं सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि धांधली की सभी हदें जो है भाजपा ने क्रॉस कर दी, इस पर आपका किस तरीके से बयान? वो अपना समय याद कर रहे हैं, हम लोग इसमें भरोसा नहीं करते। पंचायत प्रतिनिधियों ने दिल खोल कर भाजपा को समर्थन दिया है, हम लोग उनका स्वागत करते हैं। 2024 की तैयारी देखें तो यहाँ से बिल्कुल साफ दिखती है। हाँ बिल्कुल है, वो तो हम लोग तो हमेशा उसी मूड में रहते हैं, चुनाव रहे चाहे ना रहे, जनता के बीच में रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तर प्रदेश से कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी। R9 न्यूज़ के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली।